हेलो गाइस, दिस साइड आकाश माथुर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। ये हमारा फोर्थ ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें आज हम सीखेंगे कि हम किस वेबसाइट से फ्री में आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और उस आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम ये सीखेंगे कि उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरीके से लिख सकते हैं और उसके बाद उसके लिखे गए इंस्ट्रक्शन को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी आज आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हम डाउनलोड करेंगे कोड ब्लॉक्स। तो हम आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट बताते हैं जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो है हमारी फाइल hippo.com। तो सिंपली हमें फाइल hippo.com लिख देना है और हमें एंटर कर देना है। तो एंटर करते ही हमारे सामने फाइल hippo.com की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट खुलते ही ये हमारे पास देखिए सर्च सॉफ्टवेयर का एक हमारे पास यहाँ पे सर्च बॉक्स आ रहा है। तो इस पर हमें सिंपली लिख देना है कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स लिखते ही एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे। ये जो हमारा पहला है कोड ब्लॉक्स, ये हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। और जो दूसरा हमारा नीचे आ रहा है कोड ब्लॉक्स फॉर मैक, ये हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। तो अगर आप मैक पे वर्किंग कर रहे हैं तो आप मैक वाला वर्जन डाउनलोड कीजिए। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो कोड ब्लॉक्स ये हमारा 86.15 MB वाले ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए। तो सिंपली हमें यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही देखिए हमारे पास नया वेब पेज खुल चुका है। इस पे हमें डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन 86.15 MB वाली फाइल पे ये जो हमारा बटन है इस पे क्लिक करना है। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है योर प्रोग्राम इज़ नाउ डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, 10-20 सेकंड वेट करने के बाद आपकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कुछ सेकंड्स का वेट किया और हमारी यहाँ पे फाइल डाउनलोड होने लग रही हो रही है। तो हम यहाँ डाउनलोड्स पे जाके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। तो इसे हम पॉज कर लेते हैं क्योंकि हमने इसे पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। तो हम उसे जाके इंस्टॉल करना आपको सिखा देते हैं। आपको सिंपली अपने फाइल मैनेजर पर जाना है। फाइल मैनेजर पर जाने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्विक डायरेक्टरीज आ रही होंगी। तो यहाँ पे आपका डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा होगा। तो डाउनलोड्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डाउनलोड्स पे क्लिक करते ही आपको अपनी फाइल सर्च करनी है। देखिए ये रही हमारी कोड ब्लॉक 17.12 MIN GV सेटअप। तो इस पर आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करते ही देखिए आपके सामने यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ चुका है यूज़र अकाउंट कंट्रोल का डायलॉग बॉक्स। तो इस पर सिंपली यस कर देना है आपको। यस करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कोड ब्लॉक्स इंस्टॉलेशन का आपका डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आई एग्री पे क्लिक करना है आपको, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको इसकी जितनी भी फाइल्स है डेस्टिनेशन जो इसका भी फोल्डर है या कोई भी डायरेक्टरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं जिसके अंदर इसकी फाइल्स इंस्टॉल हो और एक्सट्रैक्ट हो तो आप वो चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसी फाइल पे इसे इंस्टॉल कर रहे हैं, इसी डायरेक्टरी और इसी फोल्डर पे हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया ये हमारी फाइल यहाँ पे जितनी भी हमारी जो कोड ब्लॉक्स की फाइल्स हैं वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है हमारे उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। इसके लिए भी आपको कुछ 10-20 सेकंड का ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ज़्यादा आधा मिनट लगेगा आपको। ये देखिए बस हमारी ये फाइल एक्सट्रैक्ट होने ही वाली है। तो इस तरीके से आपको इसकी इंस्टॉलिंग करनी है। ठीक है गाइस, तो ये देखिए ये हमारी इंस्टॉलिंग बस कंप्लीट होने वाली है। तो ये देखिए हमारे सामने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉलेशन का हमारे सामने एक ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अगर आपको इसे चलाना, हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि इसे किस तरीके से यूज़ करना और किस तरीके से इसके इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से आपको प्रोग्राम लिखने हैं और उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो इसे हम अभी नो कर देते हैं और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे आप और इसे फिनिश कर देंगे। सो गाइज, आपको दिक्कत ना हो इसे डाउनलोड करने के लिए तो हम आपको एक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सीधा लिंक दे देंगे। जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर ले रहा हूँ और आपको इस लिंक को आपको हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारी वीडियो का उस पर हम पेस्ट कर देंगे तो आप वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर हम कंट्रोल वी कर ले रहे हैं जो हमने पेस्ट किया है उस पर। आप जैसे ही उस लिंक को खोलेंगे तो देखिए आपके सामने सीधा ये पेज खुलेगा और इस पर सिर्फ आपको बस उस लिंक पे क्लिक कर देना है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी वेब पेज खुलेगा, आपका ये वेब पेज खुलेगा, इस पर सिर्फ आपको वेट करना है 10-20 सेकंड का और आपकी डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर
वेट 10-20 सेकंड का हम वेट करेंगे, फिर हमारे यहाँ पे फाइल डाउनलोड होने होना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं गाइस यहाँ पे। ये देखिए हमारे यहाँ पे फाइल आ चुकी है। तो आपको सिंपली हमारे जो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे तो उसमें जाके आपको सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ टाइम आपको रुकना है, आधा मिनट रुक लीजिए, 20 से 30 सेकंड, और उसके बाद आपकी यहाँ पे फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है गाइस। सो गाइस हमारी ये वीडियो यहीं पे ओवर होती है। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम को लिखना सीखेंगे अपने आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो हमारा कोड ब्लॉक्स है, और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। तो हम मिलते हैं, अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।